हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। वेल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस साम्राज्य के बारे में जो भारत पर लगभग 300 साल राज किया। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। दोस्तों, मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो ये कोई नहीं जानता था कि वो 300 वर्षों तक राज करेंगे। उससे पहले भारत पर बाहर से आए कई लुटेरों ने हमला किया था और भारत के वीर योद्धाओं ने उनको हराया भी था। मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्यों को हराया और उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा किया। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक भी होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके अंत के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। बाबर पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तैमूर लंग एवं माता कोता लुनिगार की ओर से मंगोल नेता चंगेज खां का वंशज था। बाबर ने कंधार पर 1508 में, पेशावर पर 1519 में तथा दिल्ली पर 1526 में अपना शासन कायम किया। बाबर ने पानीपत 1526 ईस्वी, खनवा 1527 ईस्वी, चंदेरी 1527 ईस्वी एवं घाघरा 1529 ईस्वी के युद्धों में क्रमशः इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, मेदनी राय एवं अफगानों को परास्त किया। दोस्तों, पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक, अधिकारियों, नौकरों और सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। दोस्तों, इस हीरे की कीमत के बारे में ये माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, पहले मुगल सम्राट बाबर की मौत का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को अपनी जागीर संभालने भेजा था। वहां वो बेहद बीमार पड़ गया। उसे गंभीर हालत में नाव से आगरा लाया गया। आगरा किले में उसकी हालत ज्यादा ही खराब हो गई। उसका इलाज कर रहे हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त हुमायूं की बीमारी की कारगर दवा हकीमों को समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों, तब उस वक्त के मशहूर फकीर अबू बका ने बाबर से अपनी सबसे कीमती वस्तु दान करते हुए खुदा से हुमायूं की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने को कहा। बाबर ने स्वयं को सबसे कीमती बताया और हुमायूं की पलंग की परिक्रमा करते हुए कहा कि हुमायूं की बीमारी उस पर आ जाए। कहा जाता है कि इसके बाद बाबर बीमार हो गया, उसकी हालत बिगड़ने लग गई। दूसरी ओर हुमायूं स्वस्थ होने लगा। जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक हो गया तब 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके शव को अस्थायी रूप से जमुना पार चार बाग में दफना दिया गया और बाद में उसकी इच्छा अनुसार चार बाग में रखा गया और बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर अंतिम रूप से दफना दिया गया। बाबर की मृत्यु के चार दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं आगरा के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं, दोस्तों, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था, जिसकी मां का नाम महम बेगम था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। दोस्तों, 1537 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले पर घेरा और शेरशाह के पुत्र कुतुब खान ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीति एवं तोपखाने के प्रयोग से किले पर अपना कब्जा कर लिया। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। ये युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। बहुत ही कम समय में हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को बढ़ा दिया। बाबर के बेटों में हुमायूं सबसे बड़ा था। वो वीर, उदार और भला था, लेकिन बाबर की तरह कुशल सेनानी और निपुण शासक नहीं बन पाया। दोस्तों, ये हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि दिल्ली के तख्त पर बैठकर वो अधिक दिन तक सत्ता का भोग नहीं कर सका और दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इतिहासकार लेन पुल ने हुमायूं के बारे में कहा था, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र अकबर 13 से 14 वर्ष का बालक था। हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। दोस्तों, हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत ही मेहनत करती है ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना जरूर, राइट?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द ग्रेट। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर महान नसीरुद्दीन हुमायूं के पुत्र थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंह के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। जब अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं को देश के बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए अकबर का अफगानिस्तान में उनके चाचा अस्कारी और उनकी पत्नी ने पालन पोषण किया था। अकबर ने अपनी युवावस्था में शिकार करना और युद्ध करना सीख लिया था, लेकिन अकबर को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। अकबर प्रत्येक क्षेत्र में माहिर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध शासक भी था। जब अकबर के पिता हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब 14 फरवरी 1556 में अकबर ने राज सिंहासन संभाल लिया। उस समय अकबर मात्र 13 साल के थे और ये उनके जीवन के शुरुआती दिन थे। उस समय अकबर अपने पिता के मंत्री बैरम खान की एक सक्षम मार्गदर्शिका के अधीन थे। दोस्तों, सिंहासन संभालने के बाद अकबर ने पंजाब के शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी की शक्ति को नष्ट करने का फैसला किया और ताड़ी बे खान के अधीन दिल्ली शहर को छोड़ दिया। दोस्तों, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें अब्दुल फजल, फैजी तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजियुद्दीन और मुल्ला दोप्याजा शामिल हैं। अकबर के शासनकाल में अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण नहीं बीते, क्योंकि अकबर के पुत्र सलीम, जिन्हें बाद में सम्राट जहांगीर के रूप में जाना गया, उसने अकबर के खिलाफ बगावत की थी। आगरा में अकबर की मृत्यु हुई और सिकंदरा में शव को दफनाया गया था, जहां अकबर का शानदार मकबरा आज भी स्थित है। जहांगीर और नूरजहां। दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर 31 अगस्त 1569 को मुगल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्मे थे। जहांगीर की माता का नाम मरियम उज्जमानी था। सलीम से पहले अकबर की कोई भी संतानें जीवित नहीं बचती थी, जिसके चलते सम्राट अकबर ने काफी मिन्नतें की और फिर बाद में सलीम का जन्म हुआ। जहांगीर को बचपन में सब उन्हें सुल्तान मोहम्मद सलीम कहकर पुकारते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र का नाम फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को बेहद कम उम्र से ही सैन्य और साहित्य में निपुण बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब वे महज 4 साल के थे, तब सम्राट अकबर ने उनके लिए बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान शिक्षक नियुक्त किए। अकबर का इकलौता वारिस होने के कारण और वैभव विलास में पालन पोषण की वजह से जहांगीर एक बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज का शासक था, जिसने करीब 20 शादियां की थी। हालांकि उनकी सबसे चहेती और पसंदीदा बेगम नूरजहां थीं, वहीं उनकी कई शादियां राजनीतिक कारणों से भी हुई थीं। दोस्तों, साल 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में लाहौर में तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बने बागसर के किले में दफनाया गया था। फिर बाद में वहां जहांगीर के बेगम नूरजहां द्वारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनवाया गया, जो आज भी लाहौर में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम, मतलब कि शाहजहां, मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां को मुगल शासकों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। वो एक बहादुर, बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक था। वो जहांगीर के बेटे और अकबर का पोता था। उनके 4 पुत्र दारा शिको, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब थे और 3 बेटियां जहानारा, रोशनारा और गौहरारा थीं। शाहजहां और उनके पिता जहांगीर के बीच संबंध बहुत ही तनावपूर्ण थे। इसका मुख्य कारण उनके पिता का अपनी बेहद बुद्धिमान और चतुर पत्नी नूरजहां पर अत्यधिक निर्भर होना था। सन 1627 में जब जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई, रानी नूरजहां द्वारा किए गए षड्यंत्रों के बावजूद भी प्रजा की मांग पर शाहजहां को ही सिंहासन पर बिठाया गया। दोस्तों, शाहजहां के 30 साल के शासनकाल को ही मुगल वंश के स्वर्णकालीन युग के रूप में जाना जाता है। शाहजहां कला और वास्तुकला का गूढ़ प्रेमी था। उनकी सबसे उत्कृष्ट स्थापत्य संरचना ताजमहल है, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। ये शानदार मकबरा उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। उनके संरक्षण में कई महलों और मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनके शासनकाल को संगमरमर शासनकाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शाहजहां बाद के महलों की तरह ही उनके अधिकांश वास्तुशिल्पें जैसे मोती मस्जिद और ताजमहल आदि सभी का निर्माण भी संगमरमर से ही हुआ है। शाहजहां के 4 पुत्र आपस में एक भयंकर प्रतिद्वंदी की तरह थे, जो शाहजहां के बाद सिंहासन पाने के लिए बेताब थे। हालांकि अपने सिंहासन के दावेदार के रूप में वो अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का ही समर्थन करते थे। उनके जीवन का अंतिम समय बहुत ही दुखद था, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उनको आगरा के किले में कैद कर दिया था और मृत्यु तक कैद ही रखा। औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को गुजरात के दुहद नगर में हुआ था
वो शाहजहां और मुमताज महल की छठवीं संतान और तीसरा पुत्र था। उसके पिता शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब औरंगजेब और उनके भाई द्वारा कई कष्ट उनको सहने पड़े। बचपन से ही औरंगजेब बड़ा ही चतुर बुद्धिमान होनहार था। शाहजहां ने औरंगजेब की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक मोहम्मद हाशिम जिलानी को नियुक्त किया। अपने अध्ययन काल में औरंगजेब ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमता का परिचय देते हुए अल्पावधि में ही कुरान और हदीस में निपुणता हासिल कर ली। चित्रकला, संगीत, ललित कला में उनकी कोई रुचि नहीं थी। औरंगजेब ने अपने 50 वर्षों के शासनकाल में 25 वर्ष उत्तर भारत में रहते हुए अनेक प्रशासनिक सुधार किए और 1682 से 1707 तक 25 वर्ष दक्षिण भारत में व्यतीत किए। दक्षिण भारत में वो मराठों की शक्ति तथा शिवाजी के शासन का सर्वनाश करने में पूर्णतः सफल रहा। दोस्तों, छत्रसाल और महाप्रभु ने एक योजना बनाई, एक खास प्रकार के जहर से युक्त एक खंजर दिया। छत्रसाल को योजना समझाते हुए कहा कि यह खंजर उस औरंगजेब को पूरा नहीं मारना है, अन्यथा वो तत्काल प्रभाव से मर जाएगा। ये खंजर केवल उसको 1 इंच से भी कम गहराई का घाव देते हुए लंबा सा एक चीरा मारना था। बुंदेला वीर छत्रसाल ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जैसा महाप्रभु जी ने कहा था, ठीक उसी प्रकार उसके शरीर पर एक चीरा लगा दिया, जिससे औरंगजेब 3 महीने तक बिस्तर पर रहा और तड़पता रहा। इसी तरह वो तड़प तड़प कर मरा। उसके पापों का ऐसे अंत हुआ। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा एक पेंशनर के तौर पर रंगून भेज दिया गया। इस तरह मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके एक एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बनता है दोस्त, तो भर भर के कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।